नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आपका स्वागत है रत्नाज होम रेसिपीज में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही बढ़िया पोहे से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी। इस तरीके से आपने एक बार बनाया तो बार बार बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया जो ये बड़ा है बनकर तैयार होता है। वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप पोहा लिया है। कोई भी पोहा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से वॉश करके हम साइड में रख देंगे। मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करके इन्हें रख दिया था 10 मिनट के लिए साइड में। ये काफ़ी अच्छे से फूल चुका है जो हमारा पोहा है। इस तरीके से 10-15 मिनट के लिए इसे साइड में रख देना है। धोने के बाद इसे अच्छे से वॉश करना है। ये पोहा हम साइड में रख देते हैं और इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली ली है, कच्ची वाली मूंगफली है। आप चाहें तो भुनी हुई भी ले सकते हैं। मैंने कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है 1/4 कप। साथ ही में 5 हरी मिर्ची डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और इसमें हम करी पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। आप करी पत्ता नहीं डालना चाहते हैं तो धनिया पत्ते का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने करी पत्ते का इस्तेमाल किया है और इन्हें चर्न कर लेते हैं ताकि जो पेस्ट हमारा तैयार हो जाए। देखिए, इस तरीके से दरदरा सा पेस्ट हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं करना है। और जो पोहा था उसे भी किसी परात या थाल में डाल लेंगे और इसे मसल मसल कर नीड करेंगे ताकि जो हमारे पोहे हैं थोड़े से मैशी हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी में डाल रही हूँ, थोड़े सूखे सूखे लग रहे थे जो हमारे पोहे थे, इससे कि ये मैश नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मसल लिया है। अगर आपको पानी ज़रूरत हो तभी डालिएगा, वरना मत डालिएगा। और जितने पानी की आवश्यकता हो उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा गीला इस मिक्सर को नहीं करना है। इसमें मैंने जो हमने मसाला तैयार किया था उसे डाल दिया है, प्याज डाल दिए हैं, साथ ही में चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ में इसमें मैं सौंफ डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच और 1/2 छोटा चम्मच जीरा भी डाल दिया है मैंने। अब इसमें हींग डालेंगे और इसी के साथ में अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पोहा है उसमें सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे बाइंड करने के लिए हम बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन लिया है। कोई भी बेसन आप ले सकते हैं, मोटा बारीक जो भी आपके पास हो, इसे भी इसमें अच्छे से डालकर मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारा जो मिक्सर है बनकर तैयार हुआ है। जिस तरीके से वड़े का मिक्सर होता है, दाल वगैरह का वड़ा जो हम बनाते हैं, तो इस तरीके का मिक्सर होता है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। तो इस तरीके से इसे हाथों शेप देंगे, अपनी मनपसंद शेप आप दे सकते हैं। तो मैं इसे टिक्की की शेप में बना रही हूँ। इस तरीके से आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। आप इसे किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा हमारा जो वड़ा है बनकर तैयार होता है। आप प्याज लहसुन इसमें नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। बाकियों को भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, इन्हें सेल्लो फ्राई कर सकते हैं। मैं इन्हें सेल्लो फ्राई करूँगी। कढ़ाई में तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें सभी बड़े हम डाल लेंगे। जितने भी आपके कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतने डाल लीजिएगा और इन्हें 1-1.5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ना। उसके बाद इन्हें उलट पलट करना है। तो इसी तरीके से छोड़ देते हैं। फ्लेम को लो मीडियम रखना है। लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें उलट पलट करते हुए हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5-6 मिनट में इनमें बढ़िया सा कलर आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया से जो हमारे ये बड़े हैं बनकर तैयार हो जाएंगे। एक बार इस तरीके से आप इन वड़ों की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने शायद कभी नहीं बनाया होगा इस तरीके से, और बनाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने किस तरीके से इन्हें बनाया है। तो ये जो हमारे बड़े हैं इसी तरीके से उलट पलट करते हुए मैंने फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया जो कलर है इन पर आ चुका है। खाने में ज़बरदस्त लगते हैं। आप अपनी मनपसंद की किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वड़े हैं ये तैयार हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। इससे पहले मैंने मूंग दाल के पकौड़े की रेसिपी शेयर की थी, उसमें जो चटनी बनाई थी उसके साथ जो इसका फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया जाता है, वही चटनी मैंने सर्व किया इसके साथ। तो यहाँ पर ये वड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे जो वड़े हैं दिखाई दे रहे हैं। तोड़कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार होता है, जिससे कि खाने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो तो आप इन्हें डबल फ्राई भी कर सकते हैं और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करके इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे बड़े बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। ये बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप धनिया की पत्ती ली है, इसे अच्छे से वॉश करके रखा है, मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसमें भी
चार से पांच में लहसुन की कलियां डाल रही हूँ। इसी के साथ में हरी मिर्च डाल रही हूँ। काफ़ी तीखी चटनी हम बना रहे हैं, थोड़ी चटनी बनेगी लेकिन काफ़ी तीखी बनेगी, तो इस तरीके से जो बनी हुई चटनी है वो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और उसी के साथ में थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े भी डाल दिए हैं, जिससे कि चटनी बहुत ही बारीक होगी और जो इसका कलर है वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। इसे पीस लिया है मैंने, चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें नींबू का रस डाल लेते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नींबू का रस डाल लीजिएगा, आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं नींबू का रस, मैंने इस स्टेज पर डाला है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इस पकौड़े के साथ जो चटनी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। सिंपल सी चटनी हमने बनाकर तैयार की है।